मैं इनसे बोलता है कि ये हमारा मिशन चल रहा है कि किसी हिंदू लड़की को अपने जाल में फंसाओ और उसके साथ में संबंध बनाओ, तो 2 लाख रुपये हम उसको देते हैं, इसीलिए मैंने तेरे साथ में ये संबंध बनाए। मेरा असलम ऐसा नहीं है, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। कहने वाली प्यारी प्यारी लड़कियों, जरा एक बार इस वीडियो को देखिए। इस लड़की को एक मुस्लिम लड़का ने फंसा कर उसको किस तरीके से घर से बेदखल कर दिया। अब तो हद ही हो गई है। मुस्लिम लड़के के द्वारा हिंदू लड़की को पटाने पर या उसको अपने जाल में फंसाने पर मस्जिद और मदरसे में दिए जा रहे हैं 2 लाख से 5 लाख तक रुपए। योगी जी, मैं एक हिंदू लड़की हूँ। एक मुस्लिम लड़के ने नाम बदलकर मेरे साथ संबंध बनाए और मेरी वीडियो बना ली, और उनके चलते वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा और लगातार मेरे साथ संबंध बनाने लगा। इसके चलते मैं कुछ माह की प्रेग्नेंट हूँ। जब मैंने उसको बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो उसने मेरे साथ में बदतमीजी की, मुझे मारा और मेरे पेट में लात मारी। जब मैंने उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई, दर्ज कराने के लिए हजर थाना गई, तो वहाँ पर मुझे किसी ने नहीं सुनी और मुझे बोल दिया कि घर पे जाओ और अपना फैसला अपने आप करो। और जुनैद मेरे से बोलता है कि ये हमारा मिशन चल रहा है कि किसी हिंदू लड़की को अपने जाल में फंसाओ और उसके साथ में संबंध बनाओ, तो 2 लाख रुपये हम उसको देते हैं, इसीलिए मैंने तेरे साथ में ये संबंध बनाए। योगी जी से मेरी अपील है कि मुझे इंसाफ दिलाएं और मेरी रिपोर्ट दर्ज कराएं। मुझे इंसाफ दिलाएं।